बिहार के सियासत से जुड़ी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो तेजस्वी यादव के फैसले से जुड़ी हुई है। फ्लोर टेस्ट 12 फरवरी को होना है विधानसभा के अंदर, नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है, लेकिन खेला तेजस्वी यादव कर रहे हैं और ऐसा वैसा खेला नहीं, खेला है नीतीश कुमार को मैदान में परास्त कर देने की, खेला है नीतीश कुमार के कुर्सी को छीन लेने की। और इस वक्त राजधानी पटना के 5 दशरथ मार्ग स्थित तेजस्वी यादव के आवास से जो खबर आ रही है, महागठबंधन के सभी विधायक पैक कर दिए गए हैं, यानी एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे और सीधे 12 फरवरी को वो निकलेंगे। जिस तरीके से हवा चली, बातें निकल कर सामने आई कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के कई विधायक जो हैं वो नॉट रीचेबल हैं, हालांकि तमाम विधायक जो हैं वो तेजस्वी यादव के बैठक में शामिल होने पहुंचे। ना सिर्फ आरजेडी बल्कि तेजस्वी ने लेफ्ट के विधायकों को भी बुलाया, तमाम विधायक पहुंचे और उनके साथ एक बड़ी रणनीति बनी। लेकिन इन सबके बीच आगे ये फैसला लिया गया कि हम सब एकजुट होंगे, हमसे कोई भाजपा का एमएलए कांटेक्ट नहीं कर सकता, जेडीयू का एमएलए कांटेक्ट नहीं कर सकता और सभी लोग पटना में 5 दशरथ मार्ग स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर रहेंगे। देखिए, आरजेडी के अंदर टूट को लेकर जिस तरीके से खबरें चली, तेजस्वी एक और जहां खेला करने की तैयारी में है, बातें निकल कर नहीं सामने आ रही है, चुप्पी साधे हैं, लालू प्रसाद कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो डर से भाजपा भी डरी है, जेडीयू भी डरी है। लेकिन अगर बातें सामने आए कि आप खेला करने चले और कहीं आपके साथ खेला ना हो जाए, तो इस बात का भी डर होता है और इसे भांप लिया तेजस्वी ने पहले ही। और यही वजह है कि आज से ही जब पानी की बोतलें जा रही थी, हमने उस वक्त की एक विजुअल्स आपको दिखाया था और विजुअल्स इस वक्त भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में पानी की बोतलें मंगाई गई है। ये तो साफ हो गया है ना कि अब जो है वो तेजस्वी खेला करके ही मानेंगे, बातें ऐसे नहीं बनेगी, नीतीश कुमार की सरकार को गिरा के मानेंगे। और आरजेडी के विधायकों को एकजुट पटना में किया गया है, कांग्रेस के सभी जो एमएलए हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं वो इस वक्त तेलंगाना में हैं। लेकिन बिहार में तेजस्वी और लालू के खेला से नीतीश कुमार की घबराहट जरूर बढ़ी हुई है, क्योंकि आज ही जेडीयू के विधायकों की एक बड़ी बैठक थी और भोज थी, कल विधायक दल की बैठक है, उस बैठक में कई विधायक, आधा दर्जन से अधिक विधायक जो हैं वो नहीं पहुंचे। बातें निकलकर सामने कि 8 विधायक जो हैं वो जेडीयू के भोज में नहीं शामिल हुए हैं, ये भोज श्रवण कुमार ने किया। लेकिन उसके तुरंत बाद शाम 4 बजे तेजस्वी ने बैठक बुलाई, तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला चलता रहा। और तमाम विधायक जब 5 दशरथ मार्ग स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंच गए, तब ये तय किया गया कि अब हम लोग एकजुटता का परिचय देंगे। भारतीय जनता पार्टी को अगर रण में पछाड़ना है और अगर सबको इस बात से सहमत है तो आपको हमारे साथ चलना होगा और हमारे ही साथ रहना होगा। देखिए, खबर ये भी है कि तेजस्वी यादव भी उसी आवास पर रहेंगे, वो राबड़ी आवास नहीं जाएंगे, अपने विधायकों के साथ ही रहेंगे और अपने विधायकों के साथ वो बड़ा गेम करेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ। 12 फरवरी को सुबह में 12 बजे नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा है। तेजस्वी का यह फैसला नीतीश कुमार की सत्ता को धराशायी करने के लिए समझ जाना काफी है, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम दलों ने अपने ओर से तैयारियां की है। फ्लोर टेस्ट के दौरान ये साबित करना होगा नीतीश कुमार को कि 128 विधायकों का समर्थन उनके पास है या फिर नहीं, न्यूनतम 122 विधायकों का समर्थन चाहिए बिहार में सरकार बनाने के लिए। इधर तेजस्वी यादव का खेल शुरू हो चुका है, तेजस्वी ने खेला शुरू कर दिया है। आरजेडी के तमाम विधायक पटना के 5 दशरथ मार्ग स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर शिफ्ट हो चुके हैं। यहीं से नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी प्लानिंग बनेगी। तेजस्वी ने अपने घर को ही वॉर रूम बना दिया है। अगली रिपोर्ट बताएंगे, फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।